हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता, हम डिफरेंशिएशन के कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो आज हमारे पास कुछ इस तरह से डिफरेंशिएशन, इन टाइप की हम डिफरेंशिएशन करेंगे। कुछ इस तरह से आपके क्वेश्चंस रहते हैं, उनको हम करेंगे, जिनको हम बेसिक, इसकी ऐसी डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें बेसिकली चेन रूल का यूज़ करना पड़ता है। लेकिन हमें यहाँ पर चेन रूल्स के तरफ नहीं जाना है, आपको ये बिल्कुल ईजी रखना है मुझे सारे टॉपिक्स को। तो मैथमेटिक में आप बिल्कुल चेन रूल वगैरह पढ़ते हो, हमें यहाँ पे डायरेक्टली मैं आपको बताऊंगा किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चंस को। तो देखते हैं कैसे शुरू करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। देखिए, जैसे यहाँ पे साइन एक्स दिया है ना, इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो सीखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपने क्या करना है, साइन एक्स की क्या करनी है, डिफरेंशिएशन करनी है। क्या करनी है? डिफरेंशिएशन करनी है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है, देखिए सिंपल सी बात है, आपने साइन एक्स की डिफरेंशिएशन करना तो सीख ली है, ऐसे ही है। अब यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस बार जो हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे इस एंगल जो ये एक्स है ना, इसके साथ एक्स तो लगा है, पर एक्स साथ में किसके साथ मल्टीप्लाई है, एक एन के साथ। एन क्या हो सकता है, कोई भी आपका कांस्टेंट नंबर हो सकता है। एन क्या हो सकता है, आपका कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है। देखिए डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, आपको पता है डी वाई बाई डी एक्स निकालना होता है हमें, क्या निकालना होता है, डी वाई बाई डी एक्स। तो डिफरेंशिएशन किसकी हो जाएगी यहाँ पे, साइन एन एक्स की, सेम वैसे ही। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, जब आप इसकी डिफरेंशिएशन करोगे, ये जो पहले सबसे पहले इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन होगी साइन की, जैसे जो पहले फंक्शन देखेगा पहले सबसे पहले उसकी डिफरेंशिएशन करो। जैसे साइन एन एक्स की डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस एन एक्स। ये बात तो आपको पता है, पहले लेक्चर से मैंने समझाए हुए हैं। लेकिन इन डिफरेंशिएशन आपके पास उसके अंदर जो आपका फंक्शन होता है उसकी भी डिफरेंशिएशन होती है, मीन्स आपको एन एक्स की भी डिफरेंशिएशन करनी होगी। देखिए कैसे, आप सुनते चलो सीधे, मैं बाद में सब बताऊंगा। तो यहां पे फिर हम किसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, एन एक्स की। जैसे एन एक्स की डिफरेंशिएशन करी तो एक्स की यहां पे पावर कितनी है, मैंने देखो ऐसे डिफरेंशिएशन करना मैंने सिखाया हुआ है। ये बेसिकली एन क्या है, एन कुछ भी हो सकता है, आपका वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, फोर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ आ रही है बात है? तो जैसे ही मैं क्या कर रहा हूँ, एन एक्स की डिफरेंशिएशन करूंगा तो एन आपका कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा आपके पास, एन कॉस एन एक्स। डिफरेंशिएशन किसकी होगी, सिर्फ एक्स की, और इसकी डिफरेंशिएशन आपको पता है कितनी होती है, वन होती है। इसकी डिफरेंशिएशन वन होती है तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, एन कॉस एन एक्स, क्या होगा, एन कॉस एन एक्स। आप बोलोगे सर जब हमने साइन एक्स की डिफरेंशिएशन की थी तो उसमें फिर हमने एक्स की डिफरेंशिएशन क्यों नहीं की, करते हैं लेकिन हम दिखाते नहीं है, कैसे, देखो ये जैसे मैंने इसकी डिफरेंशिएशन की विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मेरे पास क्या आ जाता है, कॉस एक्स। अब फिर हम किस कहते हैं, डी एक्स अपन डी एक्स, यहाँ पे डी एक्स अपन डी एक्स, हमको पता है कितना होता है, वन होता है, हमारा क्या आंसर आ जाता है, कॉस एक्स आ जाता है, क्या आंसर आ जाता है, कॉस एक्स आंसर आ जाता है। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना होता है, फंक्शन के अंदर जाके भी उसकी डिफरेंशिएशन करनी होती है। सबसे पहले हमने किसकी डिफरेंशिएशन की, साइन एन एक्स की, फिर उसके बाद हमने क्या किया, एंगल की भी डिफरेंशिएशन की, फिर ओवरऑल मुझे रिजल्ट मिल गया किसका, साइन एन एक्स का। तो बेसिकली जब भी हम साइन एन एक्स की डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आपको क्या मिल जाएगा, एन कॉस एन एक्स मिल जाएगा। ऐसे ही आपने कॉस एन एक्स की डिफरेंशिएशन करनी है, मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आंसर क्या आएगा इसका, क्वेश्चन है आपने डिफरेंशिएशन करनी है किसकी, कॉस एन एक्स की। जब आप इसकी डिफरेंशिएशन करोगे आपके पास आंसर आएगा माइनस एन साइन एन एक्स। मैंने आंसर बता दिया है, किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी कैसे करना है मुझे पूछ लेना, सेम मेथड रहेगा, सेम प्रोसीजर रहेगा जो जैसे कि हमने साइन एन एक्स में किया है। अब इनके एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं, मैं कॉस एन एक्स की एग्जाम्पल लिख के समझाता हूँ। देखो जैसे आपको दिया होगा कॉस 30x, इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। आपने क्वेश्चन लिख लेना, मैं इसी को सॉल्व करता जा रहा हूँ डायरेक्टली। जैसे मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, अगर मैं डायरेक्टली फार्मूला लगाऊं तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, माइनस 30 साइन 30 एक्स, सीधा आंसर ये आ जाएगा।
लेकिन मुझे इसको प्रॉपर अगर मैं मेथड से सॉल्व करूं तो कैसे सॉल्व करूंगा? सबसे पहले किसकी डिफरेंशिएशन होगी? कॉस 30x की। जैसे ही मैंने इसकी डिफरेंशिएशन की तो मेरे पास क्या आ गया, माइनस साइन 30x। फिर किसकी डिफरेंशिएशन होगी? 30x की। जैसे आप डिफरेंशिएशन करोगे इसकी तो 30 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, साथ में साइन क्या है, नेगेटिव साइन 30x। डिफरेंशिएशन 30 बाहर चला गया तो किसकी डिफरेंशिएशन हो रही है, एक्स एक्स की। और ये वैल्यू कितनी होती है आपकी, पता है ना कितनी होती है, 1। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस 30 sin 30x। इस तरह से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको मैंने बताया हम एक और चीज करने वाले हैं, किसकी, ऐसे वाले क्वेश्चंस की पावर भी है, कैसे सॉल्व करेंगे ये, x के रिस्पेक्ट में करना है ना, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 20, इसकी पावर कितनी है, 2 है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है मैं होमवर्क दूंगा, बाकी अभी ये वाले क्वेश्चन को समझो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर क्या है ये, थर्ड। इसके अंदर जैसे कि आपके पास दिया होगा वाई कितना है, एक्स स्क्वेयर प्लस 20x प्लस 60, पावर कितनी, 2। इसको डिफरेंशिएट करना है आपने किस रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, किस सॉरी एक्स के रिस्पेक्ट में, किसको करना है, वाई को। तो क्या हो जाएगा भाई, वाई की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 20x प्लस 60, पावर कितनी है, 2 है। देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमारे हमें क्या करना पड़ता है, इस पूरी टर्म को लेट करना पड़ता है, मान लो टी। लेकिन मैं आपको उस तरीके से नहीं करवाऊंगा, ज़्यादा कंफ्यूज आपको नहीं करूंगा, उस तरीके से आप मैथमेटिक्स में अच्छे से सीखोगे। मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको सिखा रहा हूँ। देखिए ये पूरा एक फंक्शन है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन किसकी करोगे, पावर की। पहले किसकी डिफरेंशिएशन करोगे, पावर की। आप पूछोगे सर पावर की क्या मतलब, हमने सीखा ना एक्स रेज पावर एन की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, एन नीचे आ जाता है, ऊपर की पावर क्या हो जाती है, एक कम हो जाती है, एन माइनस वन हो जाता है। तो सिमिलरली पहले आप क्या करोगे, इस पावर की डिफरेंशिएशन करोगे, तो पावर की जैसे डिफरेंशिएशन की तो हमारे पास क्या आ गया, 2x² + 20x + 60, पावर क्या हो जाएगी, 2 - 1। अब इसके इसके अंदर भी तो कोई चीज़ है, इसकी हमने क्या करनी है, अलग से डिफरेंशिएशन करनी है। क्या करना है, इसकी अलग से डिफरेंशिएशन करनी, मीन्स d/dx इसकी अलग से डिफरेंशिएशन होगी। समझ आ रही है ना बात, अंदर जाके भी डिफरेंशिएशन होती है, ये अलग है। ओके तो ये आ जाएगा आपका 2x² + 20x + 60, पावर कितनी हो चुकी है इसकी, 1। और 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। अब इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, ऐसी डिफरेंशिएशन करना मैंने कितनी बार सिखा दिया आपको, तो क्या हो जाएगा, d/dx किसकी डिफरेंशिएशन हो रही है, x² की, प्लस 20 बाहर लिख दो, किसकी डिफरेंशिएशन होगी, dx की, और यहाँ पे किसकी होगी, 60 की। और 60 की आपको पता है कितना होगा, 0। कांस्टेंट टर्म की डिफरेंशिएशन हमेशा कितनी होती है, 0 होती है। ये हो गया, ओके। यहाँ क्या है, 2x² + 20x + 60, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, 2x। यहाँ पे डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा, 20। इस पूरे चीज़ को आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आपने अंदर जाके इनको मल्टीप्लाई कर देना है, ऐसे नहीं छोड़ना, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, ये चीज़ आपको मल्टीप्लाई करने आती होगी। इनको मल्टीप्लाई करोगे और आंसर निकाल दोगे। आज के लिए मैं कुछ होमवर्क देता हूँ आपको, जो कि आपने आंसर करने है कमेंट सेक्शन में। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को टेक्निकल मंडोत्रा जी, जो कि आपका अपना चैनल है टेक्निकल मंडोत्रा जी, इसको अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करो, और वीडियो को लाइक करना मत भूला करो, वीडियो को फटाफट लाइक कर दो। तो चलिए आज के क्वेश्चन देखते हैं, आज के होमवर्क क्वेश्चन क्या हैं आपके। पहला होमवर्क क्वेश्चन आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड x² sin 20x + x cos 30x। क्या फाइंड करना आपने, dy/dx। ये आपका होमवर्क है पहला। दूसरा होमवर्क है आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आज का होमवर्क का आपका आपको दिया है 20x³ + 30x² पावर कितनी, 3। इसका भी आपने क्या फाइंड करना है, dy/dx।
फाइंड करना है, ये आज का आपका होमवर्क है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे बाइंड अप करता हूँ, आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।